नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में सिंगापुर की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट अभी काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मैनुअल मशीन माइलिंग मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है और दूसरी रिक्वायरमेंट मैनुअल टर्निंग मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। दो अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स है। इसमें से मैनुअल माइलिंग मशीनिस्ट में फ्रेश यूटर्न दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मशीन जो उसमें जो फोटो में रहती है उसके ऊपर काम करना होगा। 3 साल का उनको सेम फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनको ड्राइंग रीड करना आना चाहिए, मेजरिंग टूल को यूज करना आना चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिक सैलरी होगी 1500 सिंगापुर डॉलर पर मंथ की सैलरी होगी, जो कि आफ्टर 3 मंथ्स इंक्रीज हो जाएगी। हाउसिंग अलाउंस 300 सिंगापुर डॉलर मिलेगा और 1 वीक में 44 घंटे काम करना होगा, 5.5 डेज काम करना होगा। एक्स्ट्रा काम करेंगे तो ओटी मिलेगी, ओटी उनका 1.5 गुना होता है, जो भी उनका लेबर लॉ होता है उसके हिसाब से होता है। एंड यहाँ से मंडे टू सैटरडे का जो रेट रहेगा वो रहेगा $10 पर आवर के हिसाब से रहेगा। एंड संडे एंड हॉलीडेज को ये 14 डॉलर पर आवर के हिसाब से होगा। ओटी बहुत सारी ओटी रहेगी इसमें। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो कि मैनुअल मशीन टर्निंग मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से उनको सेम चीजें इतने जो रिलेवेंट चीजें हैं, मतलब उनको ड्राइंग रीड करना, फोटो के हिसाब से उनको काम करना एंड इंडिपेंडेंटली काम करना, बेसिक सब कुछ सेम टू सेम है। हाउसिंग अलाउंस भी 300 रहेगा इसमें। सो रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है। दो अलग अलग पोजिशन है लेकिन सब कुछ सेम है। इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी रहेगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश और यूटर्न दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एक्सपीरियंस, ओवरसीज एक्सपीरियंस, गल्फ एक्सपीरियंस, कहीं का भी एक्सपीरियंस हो, सिंगापुर एक्सपीरियंस होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। कोई भी कैंडिडेट जो 2 से 3 साल का सेम फील्ड का एक्सपीरियंस है, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज है, मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है और वर्क परमिट के लिए अलाउड एलिजिबल है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूपी व बंगाल के अलावा बाकी सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है और बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू हो सकता है और इंटरव्यू होगा तो उसमें ऑब्वियसली उनको क्वालिफाई करना होगा। तो बेसिक इंग्लिश कंपलसरी, जो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट करें। सैलरी काफी अच्छी, ऑफर काफी अच्छा है और सीएनसी का स्कोप एक्चुअली काफी ज्यादा होता है वहां पर। मशीन ऑपरेटर, टर्निंग मशीन, माइलिंग मशीन, हमेशा आप देखें कि हमारे पास में ऐसी रिक्वायरमेंट रहती रहती है। बार बार इनके वीडियोज नहीं बनते लेकिन रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट अच्छी है, अर्जेंट भी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट और भी एजेंसीज के पास में जाती है, जैसे बांग्लादेश में जाती है या फिर फिलीपींस में जाती है, मलेशिया में जाती है, वियतनाम में जाती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर इस प्रोफाइल में रिलेवेंट नहीं है, दूसरी में भी होगा तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस टाइप की रिक्वायरमेंट रेगुलर रहती है। अगर आपकी प्रोफाइल हमारे पास में है तो हम आपको उसमें आपको हेल्प भी कर सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट्स कैसे लगे, अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स कहीं को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।